हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था अकाउंट के बारे में, और फिर वही आज उसके आगे भी हम लोग जानेंगे जनरल एंट्री के बारे में। हाँ, क्योंकि उसके पहले समझ लीजिए आखिर टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या चीज है। हम आपको बताया था अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा पर्सनल व्यक्तिगत खाते आएंगे, और जब व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। और अगला इसमें दे रहा है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में सिर्फ वही खाते आएंगे जो सिर्फ एसेट से संबंधित है। किस से संबंधित है? एसेट से। और यदि वही एसेट बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और यदि बिजनेस से जाएगा तो, और उसका समझ पड़े थे नॉमिनल, नॉमिनल इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? इनकम और एक्सपेंस से। और वही अगर जो क्या होता है बिजनेस में हानि होता है तो उसका अकाउंट डेबिट, और यदि लाभ होता है इनकम होता है तो उसका अकाउंट। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताए थे, ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस। बिजनेस में जितने भी खर्च होंगे वो सारा डेबिट, और बिजनेस में जितने भी इनकम होंगे वो क्या होगा? इतना क्लियर है ना? और उसके बाद से जब आएंगे तो हमने आपको गोल्डन रूल भी समझाया। क्या समझाए थे? कि व्यक्तिगत खाते में जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी बैंक का नाम हो, कैपिटल अकाउंट हो, ड्राविंग हो, ये सब किस में आएंगे? पर्सनल में। और अगर ये व्यक्ति देने वाले हैं तो क्रेडिट, और पाने वाले हैं तो, और उसके साथ आप लोग बताए थे रियल अकाउंट, यानी कि किसी भी एसेट्स का नाम आ गया तो वह एसेट्स का नाम किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट के रूल के अनुसार वो क्या होगा? अगर जो बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और यदि बिजनेस से जाएगा तो। और अगला आप लोग बताए थे नॉमिनल, जो भी इनकम होगा या एक्सपेंस होगा वो खाता किस में चला जाएगा? प्रॉफिट नॉमिनल में। और नॉमिनल में यदि इनकम होता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस होता है तो। अब इसी के बिहाई पे हम लोग को जानना है क्या? जनरल एंट्री। हाँ समझिए, सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग साइकिल पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। क्या पढ़े थे हम लोग? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। और उसके बाद अगला स्टेप हम लोग पढ़े थे जनरल एंट्री। क्या पढ़े थे? जनरल एंट्री। अब समझ लीजिए यही गोल्डन रूल के हिसाब से हमको अकाउंट समझना होगा। क्या समझना? उस ट्रांजेक्शन को समझना होगा, और समझने के बाद जो हम लिखने जाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? जनरल एंट्री। अब इसी जनरल एंट्री में अलग अलग नाम क्लासिफाइड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? लेजर पोस्ट। चलिए सबसे पहले जनरल एंट्री क्या समझ लीजिए। कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं, पहचानते हैं वो परचेज है कि सेल है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ये पहचानने के बाद से जब हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ओरिजिनल एंट्री। और कह रहा है जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया नहीं सेम वही बता रहा है। तो वही तो कह रहा है कि जहां डे बुक, जो जनरल एक डे बुक की तरह हो। डे बुक का मतलब क्या होता है? तो डेली का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए वही हमारा क्या है? डे बुक। वही कह रहा है जहां पे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा? डेली रिकॉर्ड किया जाएगा। और कह रहा है जनरल बुक में एंट्री 2 प्रकार से की जाती है। जब जनरल वॉल्स में एंट्री करने जाएंगे ना तो 2 तरीका है रिकॉर्ड करने, पहला सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल। आखिर अब ये सिंपल क्या और कंपाउंड क्या है? तो जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो वो क्या है? सिंपल जनरल एंट्री है। और अगर जो एक से अधिक अकाउंट डेबिट हुआ या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्या है? कंपाउंड जनरल एंट्री। कैसे? तो इतना समझिए, आज हम कोई सामान खरीदे हैं 100 रुपए का। कितने का खरीदे हैं? 100 रुपए का। तो यहाँ पे हम 100 रुपए का गुड्स रिसीव किए हैं, तो गुड्स 100 रुपए क्या हुआ? प्लस हुआ है ना। गुड्स 100 रुपए का क्या हुआ है? तो जो पैसा दिए हैं 100 रुपया वो हमारे बिजनेस से कैश क्या हुआ है? माइनस हुआ। यानी कि एक डेबिट और दूसरा क्या हुआ है? बस दो ही अकाउंट बन रहा है ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन के कौन से ट्रांजेक्शन कहलाएंगे? सिंपल सिंपल जनरल एंट्री।
कंपाउंड क्या होगा? अब सपोज करिए कि अगर जो आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदे और आप कैश दे दिए 50 रुपए, कैश कितना दे दिए, और आप बैंक के माध्यम से दे दिए 50 रुपए, तो अब आप बताइए आपको दो अकाउंट माइनस हो रहा है ना, दो दो माइनस होगा और 100 रुपए का सामान तो वो आपके लिए क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे तीन अकाउंट बन रहा है ना, एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहां पे एक से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड कंपाउंड जनरल एंट्री। और जहां पे एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा वो क्या कहलाएगा, कौन सा, सिंपल जनरल। इतना याद रहेगा? आप देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सबसे पहले सिंपल जनरल एंट्री समझ लीजिए क्या है। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, मात्र कितने अकाउंट बनेंगे, दो। पहला सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा ये कह रहा है ना सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है, जिसमें मात्र कितने अकाउंट प्रभावित होंगे, दो। पहला बताया क्या होगा, डेबिट, और दूसरा क्रेडिट, यानी कि मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। हाँ क्रेडिट नहीं, कभी नहीं, क्योंकि एक अगर जो माइनस है दूसरा प्लस होगा, हम आपको समझा चुके। मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होगा, एक डेबिट और दूसरा, तो अभी एक अकाउंट, एक बार दो अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता है सिर्फ, और कभी एक बार दो अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता। अगर जो दो क्रेडिट हो रहा था एक डेबिट जरूर होगा, और अगर जो दो डेबिट हो रहा था एक क्रेडिट जरूर होगा। इतना समझा रहा है ना? अब देखिए जो कह रहा है, जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का निम्नलिखित फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, जैसे आपको नीचे एक फॉर्मेट दिख रहा हो। सबसे पहले डेट दिया है, पार्टिकुलर कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, LF, लेफ्ट फाइनेंशियल बैलेंस के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते फिलहाल, अभी हम लोग इससे कोई मतलब नहीं। अगला दिया कौन सा, डेबिट, और अगला, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में आपको बनाना। जब भी आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे कॉलम ऐसे बना लेंगे रो, आर समझे ना। सबसे पहले जिस डेट जो जैसे देखिए ट्रांजेक्शन नीचे डेट दिया हुआ है ना, तो वो डेट आप यहाँ मेंशन कर लेंगे, हो हाँ जाएगा ना। जो जो अकाउंट बनेगा वो किसमें भरेंगे, पार्टिकुलर में, और वो अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, और जो क्रेडिट है तो क्रेडिट में अमाउंट। इतना क्लियर है ना, ये फॉर्मेट है, बट ट्रांजेक्शन क्या है। तो आइए सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016। और अगर जो डेट नहीं है तो फिलहाल हम लोग डेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेट से कोई मतलब नहीं। तो हाँ कैसे जनरल एंट्री हुआ, जनरल एंट्री तो हमारा ही था क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनरल एंट्री को कोई भी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज नहीं फिर किया, वही बात, डेट दिया था हम क्या बोले, अभी हम लोग को डेट से कोई मतलब नहीं है, तब अभी बताओ। हम यही बोले ना जी, अभी हम लोग को डेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डेट वहां फिल करेंगे जहां पर हम ट्रांजेक्शन ओरिजिनल एंट्री कर रहे हो, आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे अभी हम डेट लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बट अभी हम लोग का इसमें कंपलसरी क्या है, अकाउंट पहचानना और अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट पहचान, आ रहा समझे ना। क्योंकि कहीं भी काम करने जाएंगे जिस डेट को एंट्री होगा वो डेट हम मेंशन कर ले जाएंगे, तो डेट में तो कोई इशू नहीं आने वाला है ना। बस आगे आपको क्या पहचानना है, अकाउंट। कह रहा दीपक कमांस, यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस विथ आरियस 50। तो एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना, बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो। तो आपके हिसाब से जो दीपक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, किसका अकाउंट बनना चाहिए, कैपिटल का अकाउंट बनना चाहिए ना। अगर जो आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा कैपिटल कहलाता है, आप लोग पढ़े हैं ना, तो वहां पे अकाउंट क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा ना। तो अगर जो दीपक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो क्या होगा, कैपिटल के अकाउंट बन जाएगा ना। हम यहाँ पे अकाउंट बना लिया किसका, कैपिटल का। दूसरा, अगर जो लगाए तो बिजनेस में कैसे लगाएगा ना, बैंक का, बैंक से अगर लगाया तो बैंक का जिक्र दिया होता, और अगर जो बैंक नहीं है यानी कि कैश लगा रहा, कितना अकाउंट बन गया, पहला कैपिटल और दूसरा। अभी कैपिटल कहाँ से आया और कैश कहाँ से आया, कंफ्यूजन हो गया। तो कैपिटल हम कहाँ से लाए हैं, तो हम ये बोले हैं कि दीपक कमांस ने, कि दीपक स्टार्टेड द बिजनेस, दीपक अपना बिजनेस क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल हाँ कहलाता है। तो
दीपक का जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि यदि बिजनेस पैसा लगा तो आप कैपिटल का अकाउंट बनाए। कौन सा अकाउंट बनाइए? तो हम पहला कौन सा अकाउंट बनाए? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्या है ये समझ जाएंगे ना कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा। दूसरा, हम लोग कैश क्यों लिए? कैश का जिक्र तो है नहीं। तो जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो या तो कैश के माध्यम से लगाएंगे या तो बैंक के माध्यम से लगाएंगे, यही होगा ना। अगर जो बिजनेस में पैसा लगाना है तो या तो हम बैंक में पैसा रख करके बिजनेस स्टार्ट करें या तो कैश बिजनेस में लगा करके स्टार्ट करें। तो बैंक से लगा कर, बैंक का नाम दिया होता ना, नहीं दिया तो दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा? कैपिटल कैश का। यही दोनों अकाउंट हमारा लेजर कहलाएगा, कैपिटल और कैश। क्लासिफाइड तो यही किए हैं ना, हमारे अकाउंट को पहचानने का काम यही कर रहा है ना। तो अब आप बताइए कैपिटल किस अकाउंट का है? पहचानिए आप लोग कैपिटल किस अकाउंट का? पर्सनल या नॉमिनल किसका है? पर्सनल कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट का है? पर्सनल या रियल नॉमिनल किसका है? से पर्सनल का है। और पर्सनल का रूल क्या कहता है? पर्सनल क्या का रूल अब हम बताएंगे नहीं, रूल आप लोग बताइए। हमारे वाला क्या आपस में कर, बता हम कौन सा पूछे हैं? पर्सनल रहे अकाउंट पूछे हैं ना। हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? कैपिटल या पर्सनल अकाउंट का रूल पूछ रहे, बताओ रूल क्या है? देने वाला आपका दिया रहेगा पाने वाला सीआर मत को, क्रेडिट को। देने वही कैसे क्रेडिट और वो वाला पाने क्या होगा? क्रेडिट। वाला और पाने वाला क्रेडिट यही पढ़े हम लोग ना। तो यहाँ पे अगर जो दीपक है बिजनेस से पैसा लगा रहा है तो वो दे रहा है ना, तो देने वाला तो कैपिटल के अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट और कैश किस अकाउंट का है बताओ क्रेडिट सीला, किस अकाउंट का है? क्रेडिट कैश। होगा रियल कैश रियल एसेट्स है ना, एसेट बिजनेस को चलाने में कैश नहीं रहे तो बिजनेस चलने वाला है? किसी बिजनेस का पावर यूनिट कैश ही है, मनी है। तो कैश एक प्रकार का हमारा एसेट्स है ना। अब हम देखेंगे वो एसेट बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। अगर जो हम अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश लगा रहे हैं वो 1 लाख रुपया हमारे बिजनेस से भी जा रहा है ना, तो बिजनेस में अभी आ रहा है, हमारे पास से जा लेकिन बिजनेस में तो आ रहा है ना। तो बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा? हम लोग रूल यही पढ़े हैं ना कि अगर जो बिजनेस में कोई धन या वस्तु आता है तो डेबिट और जाता है, तो कैसे कैपिटल क्रेडिट हुआ और कैश डेबिट हुआ, क्लियर हो रहा है? अब आप खुद देखिए नीचे ट्रांजेक्शन में खुद दिया हुआ है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल को क्या किया है? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट के सामने 50,000 लिख लीजिएगा, तो यहाँ लिखा नहीं आप लोग लिख लीजिएगा, इसके सामने क्रेडिट के सामने ये कैपिटल अकाउंट है ना, इसके सामने यहाँ पे आप लोग 50,000 नोट कर लीजिए यहाँ। क्या सर कोई ब्रॉड करेगा तो पा रहा है ना क्या ले रहा है आ रहा ब्रॉड है उनके पास ब्रॉड मतलब आ रहा है उनके पास क्या हाँ कहाँ? ब्रॉड लिखा, लेकिन बॉट लिखा है ना खरीदना बॉट लिखा है। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीद थॉट फॉर्म है, परचेज का थॉट फॉर्म। रहा है पास क्या हाँ आएगा बता रहा, पहले ऊपर वाला ट्रांजेक्शन समझ लो, तो उतावला कम हो, पहले समझते जाओ। एक ये हो गया जी। अब समझिए लोग नीचे कैसे बनाया हुआ, सेम वही पहचाना हुआ है ना कि अगर जो बिजनेस में कोई व्यक्ति लगा रहा है पैसा लगा रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। और अगर जो वो लगा रहा है तो कैसे लगाए, दूसरा अकाउंट कौन सा बना है? कैश। तो कैश किस अकाउंट का है? रियल मतलब अकाउंट का है। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल यदि देने वाला है तो क्या होगा? क्रेडिट। और यदि पाने वाला है तो कैपिटल। देने वाला तो क्या होगा? क्रेडिट। और कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो बिजनेस में कोई धन वस्तु आता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट तो पहला कैसे बन रहा है ये क्लियर हो रहा है ना। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 क्या दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाई पेइंग यस आरएस 20 लाख। जो दीपक नाम का व्यक्ति है उसने एक फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। ट्रांजेक्शन दिया है दीपक ने एक फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस के लिए बाई पेइंग कैश, और उसने पेमेंट किस माध्यम से दिया? कैश के माध्यम से। कितने रुपए? यस तो आपके हिसाब से इसमें कितना अकाउंट बनना चाहिए पहले ये बताइए, कितना अकाउंट बनेगा? दो दो।
पहला किसका बनेगा? फर्नीचर फर्नीचर का, और दूसरा किसका बनेगा? कैश। कैश, क्योंकि ट्रांजेक्शन लंबा है, लेकिन तो बस दो ही के बीच वैल्यू हो रहा है, बाकी किसी का कोई वैल्यू नहीं है। हम पढ़े ट्रांजेक्शन वही बनेगा जिसका कोई वैल्यू। तो यहाँ पे पहला कह रहा फर्नीचर, और दूसरा, तो पहला हमारा अकाउंट बन गया फर्नीचर का, और दूसरा बन गया किसका? कैश। तो आप लोग बताइए फर्नीचर क्या है? एसेट्स अपने बिजनेस के लिए खरीदा जा रहा है ना, एसेट्स। कैश हमारा क्या है? एसेट्स। तो दोनों किस किस अकाउंट के हैं? और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देने वाला आपका डेबिट और पाने वाला बिजनेस देने वाला बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? बिजनेस डेबिट में आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से जाएगा तो इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? ऊपर वाला क्रेडिट नीचे वाला डेबिट हम कहते गलत है तो दे रहा है ना बिजनेस फर्नीचर ले रहा है तो लेने वाला आपका हो गया इसमें मतलब लेने वाला कहाँ? पाने वाला रोल में कहीं लेने वाला है? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ। हाँ, कब क्या है? देखो दोनों में क्या बताया, दोनों रियल अकाउंट का है ना। कैसे रियल अकाउंट में या तो जाएगा या तो आएगा, यही बताया ना। तो जा रहा है बिजनेस में क्या होगा फर्नीचर आ रहा है कैसे अगर जा रहा है डेबिट वगैरह रूल पढ़ो, क्या रूल में क्या लिखा है? बिजनेस रोल तुम लोग याद ही नहीं किए? डेबिट रोल याद है सबको? यस, जाएगा रोल याद रहेगा तभी ये हो पाएगा। समझो लो, फर्नीचर बॉट फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर खरीदा गया बाई पेइंग कैश। किस माध्यम से? कैश के माध्यम से। तो दोनों का दोनों ही हमारा रियल अकाउंट का है, यानी कि फर्नीचर खरीद रहे तो बिजनेस में आ रहा है, और जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं? देने डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, और जब कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाता है तो। क्लियर है? देने कोई दिक्कत इसमें? तो दूसरा अकाउंट भी हो जाएगा ना। अब तीसरा अकाउंट समझ लीजिए, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10,000। देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर जो ये शब्द कह दिया जाए परचेज गुड्स, तो क्या गुड्स खरीद रहे उसका नाम नहीं है ना? हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे पता होना चाहिए ना। तो जब गुड्स का नाम नहीं तो हम खरीद रहे हैं, इतना तो पता है। क्या खरीद रहे उसी का नाम बस नहीं पता है। अगर जो परचेज कंप्यूटर देता तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर की वैल्यू हो जाती है, समझे ना। लेकिन यहाँ पे जब किसी गुड्स का नाम नहीं दिया है तो वैल्यू किसका है? परचेज का, हम खरीद रहे हैं, इतना तो पता है ना, खरीद रहे हैं। तो वैल्यू पहला किसका बनेगा? परचेज का। फ्रॉम किससे खरीद रहे हैं? प्रदीप ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर जो आपका बिजनेस होता है या कहीं आप लोग जाते हैं सामान खरीदने, उधार खरीदते तो आपका नाम वो नोट कर लेते, कैश देते तो नाम नोट करता है? नहीं नोट करता है ना। तो यहाँ पे अगर जो कैश नहीं है क्रेडिट बेस पे, तो हम किसका नाम रखेंगे? प्रदीप का रखेंगे ना, क्योंकि हम खरीद तो प्रदीप से ही रहे ना। तो पहला अकाउंट बनेगा किसका? परचेज का। परचेज का क्यों बनेगा? क्या हुआ? हाँ, तो वही उसी का नाम लेंगे ना। हम अपने ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। परचेज का मतलब क्या होगा? हम खरीद के ना उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम अपना नाम लिखेंगे, हम खुद से बेचे खरीदे हैं। तो खरीद रहा है वो रिमांड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं? तब बताओ, परचेज किया जा रहा है, परचेज कौन कर रहा है? जिसका बिजनेस वही कर रहा है ना। परचेज मतलब आप लोग पढ़े खरीदना होता है, और जो हम सेल करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम नोट करेंगे ना। लेकिन जब हम खरीद रहे हैं तो हमको पता है ना हम किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो उसका नाम दिखाए ना, पला व्यक्ति से हम उधार खरीदे हैं। तो वही आप कह रहा है कि आप खरीदे क्या, तो कोई गुड्स खरीदे, तो उसके लिए हम पहला अकाउंट बताएं किसका रखेंगे? परचेज का। और दूसरा, अगर जो यहाँ कैश होता हम प्रदीप का नाम नहीं लेकर के कैश ले लेते, आ रहा समझे ना। अगर जो बैंक होता तो हम उसके जगह क्या ले लेते? लेकिन अगर जो बैंक और कैश नहीं है, क्रेडिट यानी उधार कह रहा है, हम उस व्यक्ति का नाम नोट कर लें किसका? प्रदीप। तो आप लोग बताइए इसमें कितना अकाउंट बना है? पहला कौन सा? परचेज। और दूसरा, पहला किस अकाउंट का है? परचेज किस अकाउंट का है? रियल
नॉमिनल का है। क्यों थोड़ा पढ़ो तो ट्रांजेक्शन नॉमिनल, तुम लोग कितना बार पढ़ा है, पढ़ कल भी रहा बताए थे आज भी बताए। नॉमिनल अकाउंट में पढ़ो, परचेज दिया है, परचेज सेल्स दिया है, समझाया था ना, परचेज करते तो एक्सपेंस होता है। अकाउंट फिर यहाँ पे कौन से अकाउंट लिए हम, कौन से अकाउंट लिए, इसे तुम कल भी समझाया था और आज भी समझाया। परचेस करते हैं तो इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, समझाए थे। आपके आपके पास 10 रुपया है, आप जाकर 10 रुपये सामान खरीद लीजिए, तो अभी तो एक्सपेंस हो रहा है ना, और जब बेचेंगे तब तो इनकम होगा ना, और इनकम और एक्सपेंस से संबंधित खाता कौन चला जाएगा, नॉमिनल नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है, आगे जो होगा वो डेबिट या यदि इनकम क्रेडिट होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा डेबिट तो यहाँ पे परचेस करें तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा तो एक्सपेंस है इसके अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट डेबिट। और प्रदीप किस अकाउंट का है, डेबिट पर्सनल अकाउंट का है ना, तो अगर हम सामान खरीद उसे तो वो देने वाला हो रहा है ना, और जब डेबिट देने वाला तो क्या होगा, क्लियर हो रहा है, ये हो जाएगा जी। और अगला कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑफ आरियाज 50। सोल्ड का मतलब होता है बेचा गया, अब लेकिन हम क्या किए, बेचे हैं, तो पहला अकाउंट किसी गुड्स का नाम नहीं है ना, तो पहला हमारा बनेगा सेल्स अकाउंट, पहला कौन सा बनेगा, और दूसरा क्रेडिट बेस पे, तो हम जिस व्यक्ति से बेच रहे हैं उसका नाम नोट करेंगे ना, तो किससे बेच रहे हैं, मारुति ट्रेडर से बेच रहे हैं, तो सेल्स हमारा इनकम हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, और सामान हम दे रहे हैं तो मारुति ट्रेडर्स पाने वाला होगा ना, तो पाने वाला होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, पहचान ले जाएंगे लोग। और हाँ ध्यान रखिए, ये तो इसका एग्जाम्पल दिया और इसका सॉल्यूशन भी नीचे दे दिया, दिख रहा है ना, और ये 4 ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आज आप लोग घर जाइएगा तो नोट्स में सबको बना के लाना, बनाना कैसे समझ लीजिए, एक जगह ऊपर आप ट्रांजेक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ जैसे ए जान 1 अप्रैल करके दिया है, ए जान 1 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे नोट कर लीजिएगा ट्रांजेक्शन, और जस्ट उसके नीचे अभी आपको ज्यादा लंबा फॉर्मेट नहीं बनाना, सिंपल बस आपको बनाना क्या है कि पहला परचेज अकाउंट है, पहला कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, आ रहा समझे ना, परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस यानी कि डेबिट, और कैश अगर जो बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो 10,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 10,000 का नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस आपको ऐसे सॉल्व करके ट्रांजेक्शन को दिखाना अगली क्लास में, हो जाएगा ना। हाँ अगर जिसमें समझने में कोई दिक्कत हो फिर पूछ ली, कैसे बनाना समझा रहा है ना, कि सबसे पहले आपको आपका पार्टिकुलर रहेगा, उसके सामने डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो डेबिट का अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, ये आज आप लोग को बना करके और अगली क्लास में दिखाना है, जब ये चीज कर लेंगे तभी आगे पढ़ाएंगे।